ये जो बॉलीवुड मूवीज की भक्ति हम लोग दिन रात करते हैं ना, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है जानते हैं? यूनिवर्स बनाना, जिसमें डीसी मार्वल दोनों चैंपियंस हैं, एक दूसरे के कहानी को जोड़कर सारे फैंस को तीसरी फिल्म के लिए एक्साइट कर देना। वैसी फॉर्मूला पकड़ा अपने बॉलीवुड ने और देखो ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल हुआ, उसका सबूत भी फौरन मिल गया। पठान जिसने आया अपने ऑफिशियली स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की है, उसने बॉक्स ऑफिस पर फोड़ डाला भाई। फिल्म ने पूरी दुनिया पर 1000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करके शाहरुख खान का बादशाह वाली कुर्सी पर कमबैक करवा दिया। बस तब से ठीक उसी मोमेंट से जब से वो फिल्म खत्म हुई है, हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, अब क्या भाई आगे क्या होगा? जवाब हम सब जानते हैं, Tiger 3। सलमान खान दिवाली पर कमबैक कर रहे हैं, स्पाई यूनिवर्स का एक नया चैप्टर अपने साथ लेके आएंगे। शाहरुख और सलमान के छोटे से कैमियो ने थिएटर्स को स्टेडियम में बदल दिया था, अब वो सेम चीज टाइगर 3 के अंदर भी रिपीट होगी। बट आ जाइए एक नई ऐसी खतरनाक टाइप की गुड न्यूज, जो सामने सामने वाली लड़ाई को ट्रायंगल में बदलने जा रही है। ऋतिक रोशन वापस लौट रहे हैं अपनी फेमस फिल्म वॉर के सीक्वल के साथ, वो फिल्म जिसने एक ही दिन में हाफ सेंचुरी मार दी थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। हम सब तो ये सोच रहे थे कि पार्ट 2 में टाइगर श्रॉफ वापस दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में उनका तो दी एंड हो गया था। लेकिन फिल्म के मेकर्स तो हम सबसे भी एक कदम आगे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक्टर्स के साथ साथ डायरेक्टर्स को भी बदल डाला। आयान मुखर्जी की स्पाई यूनिवर्स में एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, ये बिल्कुल भी नकली न्यूज नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है इस बात का। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये बंदा तो लव स्टोरीज बनाता है, एक्शन मूवीज कैसे बना सकता है? लेकिन एक बात भूल गए आप, इस बंदे की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं है। ये जवानी है दीवानी हमेशा यंग ऑडियंस के लिए धमाका काम करती है, तो वेकअप सेट मोटिवेशन देती है कि बेटा जिंदगी में कुछ बड़ा करने का। और ब्रह्मास्त्र के अंदर तो इंडियन सिनेमा का गेम ही बदल डाला इनके थासो VFX के दम पर, बाकी बचा एक्शन तो सरप्राइज होने के लिए तैयार रही है। ऋतिक रोशन प्लस आयान मुखर्जी, ये जोड़ी आग लगा सकती है। अभी तो आयान ने खाली इस रणवीर के साथ काम किया है और दोनों की जोड़ी काफी चमकी है, लेकिन ऋतिक रोशन के साथ एक अलग ही रोल के अंदर एंट्री मारने वाले हैं, जिसमें फैंस का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ स्पाई यूनिवर्स का स्पीकर। वैसे कुछ न्यूज तो ये भी आ रही है कि वॉर के अंदर ऋतिक वर्सेस जॉन भी देखने को मिल सकता है, इस बात के बड़े बड़े चांसेस हैं। वैसे वॉर 2 के अंदर ऋतिक वर्सेस जॉन ही देखना पसंद करोगे या फिर कोई दूसरा थ्योरी भी है आप लोगों के पास? बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कोई शिकायत करनी हो तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, जो वीडियो को लाइक करेगा उसके लिए और जो वीडियो को डिसलाइक करेगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।